हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ कृतिका और आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद कृतिका में स्वागत है। तो आज हम लोग गवार फ्राई यानी कि क्लस्टर बीन्स फ्राई की रेसिपी बनाएंगे। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अभी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गवार फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में लगभग 3 चम्मच जितना ऑयल गरम कर लिया है। अभी इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर लेना है और 1 चम्मच राई ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। अभी इसमें स्लाइसेस में कटा हुआ 1 ऑनियन ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। ऑनियन को अभी मीडियम फ्लेम पे लगभग 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे ऑनियन को मैंने लगभग 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अभी इसमें कटे हुए क्लस्टर बीन्स ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। तो अगर आपको और भी वेज की रेसिपी चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप वो रेसिपी देख सकते हो। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लेना है। फ्राई करते टाइम इसको बीच बीच में स्टर करते रहना है। तो यहाँ पे इसको मैंने लगभग 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। अभी इसमें 1-1 करके मसाले ऐड कर लेना है। 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड कर लेना है, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लेना है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर लेना है और 1/2 चम्मच नमक ऐड कर लेना है और सभी मसालों को मिक्स कर लेना है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसको मीडियम फ्लेम पे लगभग 10 से 15 मिनट तक फ्राई कर लेना है। फ्राई करते टाइम इसको बीच बीच में स्टर करते रहना है। तो यहाँ पे लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लस्टर बीन अच्छे से कुक हो चुकी है। अभी इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेना है और मिक्स कर लेना है। तो इसको मैंने लगभग 1 मिनट तक मिक्स कर लिया है। तो ये गवार फ्राई यानी कि क्लस्टर बीन फ्राई बनके रेडी है। अभी इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे गवार फ्राई यानी कि क्लस्टर बीन्स फ्राई मैंने प्लेट में सर्व कर ली है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइए और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।